हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बहुत गर्मी है लेकिन कल से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि कल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी। तो लाइव रिकॉर्डिंग में बिल्कुल पसीने वगैरह बह रहे थे। सो टुडे आई हैव केप्ट अ टॉवल विद मी, सो होपफुली इट विल बी बेटर। सो आज बात करते हैं कि हमने PhD एडवाइज़र कैसे चूज़ करना है। सो दिस एडवाइस इज़ मोस्टली फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल लुकिंग एट पोटेंशियल PhD एडवाइज़र्स, हु आर लुकिंग फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग वाइज। तो अभी सर्च कर रहे हैं, तो और ये एडवाइस उनके लिए एप्लीकेबल है जो अभी इन पर्सन जाके उनसे मिल नहीं सकते हैं। सो जस्ट बाय लुकिंग एट देयर प्रोफाइल, लुकिंग एट देयर पब्लिकेशंस, कैसे डिसाइड करें कि किसको चूज करना चाहिए PhD सुपरवाइजर पोटेंशियली और किसको नहीं करना चाहिए। सो बिफोर वी गेट इन टू दैट डिस्कशन, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जस्ट लाइक मैरिज, चूजिंग योर PhD एडवाइजर इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि PhD बहुत लंबी गेम है, 5-6 साल चलेगी। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एक गलत एडवाइजर आपकी लाइफ को नरक बना सकता है। ही और शी कैन मेक योर लाइफ हेल और ही कैन पुट यू ऑन अ पाथ टू रियली गुड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू चूज योर PhD एडवाइजर केयरफुली। एंड बिफोर वी टॉक इन टू लाइक वट गोज ऑन इन टू दी लाइक चूजिंग अ PhD एडवाइजर, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू रिगार्डिंग दी लाइक टेन्योर सिस्टम। तो टेन्योर सिस्टम क्या होता है? सो बेसिकली आजकल ये इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी मोस्टली यही सिस्टम फॉलो होता है। सो बेसिकली व्हेन यू फॉर एग्जांपल व्हेन ए न्यू साइंटिस्ट और न्यू पर्सन हु इज़ अ PhD एंड हैज़ डन रिसर्च, वो जब अपनी एक रिसर्च लैब शुरू करते हैं और एक फैकल्टी पोजिशन जब उनको मिलती है तो उनको एक टेन्योर पीरियड दिया जाता है। टेन्योर पीरियड मीन्स अ पीरियड ऑफ लाइक 5 to 6 or 7 years व्हेन दे आर इवेल्युएटेड। सो आफ्टर दैट दे आर इवेल्युएटेड कि उनकी जो प्रोफाइल है वो कितनी अच्छी रही है। तो उस दौरान उनमें काफ़ी जोश रहता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को पक्का करना है, क्योंकि उसके बाद उनको वो पोजीशन फॉर द लाइफ टाइम मिल जाती है। तो ये जो 5-6 साल का पीरियड होता है तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। सो आप देखेंगे जब भी आप PhD एडवाइज़र को सर्च कर रहे होंगे, यू विल सी डेजिग्नेशन लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो यहाँ पर जैसे इंडिया में आप देखेंगे कई कॉलेजेस में लोग वैसे ही अपने नाम के साथ फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर लगा लेते हैं। दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट अ टेक्निकल डेजिग्नेशन। समटाइम्स फॉर अ पर्सन टू बी फुल प्रोफेसर यूजुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड टेन्योर। तो उसके लिए पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, जब टेन्योर मिल जाती है तो वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद वो फुल प्रोफेसर बन जाते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये 5-6 साल शुरू के होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी रिसर्चर की लाइफ के लिए। सो उस दौरान अगर आप फॉर एग्जांपल उनके गाइड बनेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। सो इट इज़ रियली रियली नाइस एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप अभी MSc करके आए हैं। तो एज ए PhD स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी। जो PI होंगे, PI मीन्स पर्सनल, जो आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, नॉट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है, मतलब आपके जो PhD एडवाइजर हैं, वो कई बार लैब में भी काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू पब्लिश गुड रिजल्ट एंड दे वॉन्ट टू सिक्योर देयर पोजिशन। सो आई वुड रियली एडवाइज, और हालांकि ये बहुत जनरलाइजेशन है, लेकिन अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एज ए PhD एडवाइजर माने एंड इफ यू कैन गेट दैट, दैट इज रियली रियली गुड एज कम्पेयर टू समबडी हु इज एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर, राइट। सो दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस। सो टेन्योर सिस्टम का जरूर ध्यान में रखिए, और जब भी आप फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं, USA, कैनेडा, यूरोप, ये एडवाइस सभी के लिए एप्लीकेबल है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह में वो टर्म्स डिफरेंट यूज करते हैं, लेकिन US, कैनेडा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फुल प्रोफेसर आराम से देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप, तो यूजली दे आर नॉट एक्चुअली इन ए पोजिशन टू गाइड रिसर्च, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लैब नहीं है। और अगर आप इमेरिटस प्रोफेसर देखेंगे, देन यूजुअली दे आर ऑलमोस्ट यू नो ऑलमोस्ट टू दी लेवल ऑफ रिटायरमेंट, तो वो काफ़ी सीनियर साइंटिस्ट होते हैं और उनको ज्वाइन करने का इतना फायदा नहीं रहता है इन माई ओपिनियन फॉर यंग PhD स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक बात है। सो PhD एडवाइजर आप एक बार ही चूज कर सकते हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरी एडवाइस इसकी फॉलो करें जैसे मैं दे रहा हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आप जिनकी भी आप एडवाइस सुन सकते हैं, जिन्होंने PhD की है, उनकी आप एडवाइस जरूर सुनिए, और बिल्कुल
सोच समझ के डिसीजन लीजिए. जस्ट बिकॉज यू कैन गेट अ पीएचडी पोजीशन डज नॉट मीन यू शुड गेट दैट पीएचडी पोजीशन एंड यू शुड ज्वाइन. ओके, तो आप पूरी अपना होमवर्क करके जाइए. ओके, तो ये एक बात है. दूसरी बात यह है कि आप कमिंग टू दी लाइक क्वालिटीज ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें. सो वन थिंग इज अलाइनमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट. देखिए, आपका रिसर्च इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, योर पोटेंशियल पीएचडी एडवाइजर शुड बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी वेरी यू नो एक्साइटेड अबाउट दैट रिसर्च. और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी रिसर्च प्रोफाइल देखिए, राइट, आप उनके डिपार्टमेंट वेब पेज देखिए. यूजली डिपार्टमेंट वेब पेज इतने करंटली अपडेटेड नहीं होते हैं, तो आप उनकी रीसेंट पब्लिकेशन जरूर देखिए. रीसेंट पब्लिकेशन में जहां पे उनका नाम ऑलमोस्ट एंड में या डेफिनेटली एंड में आता है, तो इसका मतलब वो उस पब्लिकेशन के लिए सीनियर ऑथर हैं. दैट मीन्स उनकी लैब में, उनकी डायरेक्शन के अंडर ये रिसर्च हुई है. कई बार ये होता है कि वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो 3-4 साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे हैं, या इवन मोर देन दैट, जेनेटिक्स वगैरह या एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टेटिस्टिक्स, इस फील्ड में ये बहुत कॉमन है कि 5-6 साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे हैं, तो ये नहीं पता होता कि एक्चुअली काम किसकी लैब में ज़्यादा हुआ है. लेकिन अगर एक ही सीनियर ऑथर हो, देन दैट मीन्स कि उनकी लैब में ही काम हुआ है. और वो आप देखिए कि जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2021, 2020, 2019 में उनके कौन से पेपर आए हैं एज ए सीनियर ऑथर, और उससे उनके करंट रिसर्च इंटरेस्ट्स का पता लगेगा. कई बार ये होता है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं विद द यू नो लाइक द लाइफ ऑफ द लैब एंड द लाइफ ऑफ द साइंटिस्ट, वो किस करियर के किस फेज में है. सो दैट हैपन्स. ओके, सो डू टेक दैट इन टू अकाउंट. ओके, सो सम स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड इन, आई विल जस्ट wave at them just to say hi. Welcome, I hope you found it useful. So pehli to baat ye hai ki alignment honi chahiye research interests ke bare mein. Okay, the other thing is fit. So fit means jaise, right, jaise hum kapde fit karte hain, jaise aap, right, whatever fits me may or may not fit you. So aapki jo personality hai, aapka jo kaam karne ka style hai, ki aapko kitni guidance chahiye, kitni you know daily update chahiye ki nahi chahiye, आपको डेली फॉर एग्जांपल गाइडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप जो पीएचडी एडवाइजर है उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आई मे बी समबडी जिसको थोड़ा सा वीक में एक बार जिसको पता लगना चाहिए कि एडवाइजर के साथ डिस्कस करें कि एक्सपेरिमेंट इस तरह हो रहा है, इस तरह रिजल्ट हो रहा है. लेकिन मेरे को ऐसा नहीं अच्छा लगता कि रोज मेरे पास कोई आके मेरे सिर पे खड़ा हो जाए और मेरे को पूछे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, राइट, आधे घंटे बाद क्या चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं क्या, ये तो, राइट. सो दैट विल कॉज प्रॉब्लम एंड फ्रिक्शन इन योर रिलेशनशिप विद दी एडवाइजर. लेकिन कई लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे सर आ गए या मैडम आ गए, राइट, अब मेरे से पूछ रहे हैं, बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, राइट, सो दे फील अप्रिशिएटेड. यू नो इट्स अबाउट डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो आपको क्या फिट करता है, तो उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है, क्या वो माइक्रो मैनेजर्स हैं या मैक्रो मैनेजर्स हैं. माइक्रो मैनेजर्स मतलब उनको पल पल की जानकारी चाहिए, राइट, कि आप सुबह कितने एक्सपेरिमेंट सेट किए, ये पीसीआर कर लिया कि नहीं किया. सो माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेजमेंट की आप महीने में एक बार मिलिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और वो सूटेबल गाइडेंस आपको देंगे. तो आपका स्टाइल और उनका स्टाइल कितना कंपैटिबल है उस पर डिपेंड करता है. बट ऑफ कोर्स ये आप बिना इन पर्सन मिले बता नहीं सकते हैं, बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग टू कीप इन माइंड. लेकिन अगर आपको रिसर्च इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है उनका और उनकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, देन डेफिनेटली कीप देम एज ए पोटेंशियल पीएचडी एडवाइजर. ठीक है जी, तो ये बात हो गई. नेक्स्ट इज फंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मनी. सो क्योंकि मनी का इंपॉर्टेंस क्या है, मनी एक तो चलो ये है कि फॉर एग्जांपल यूएसए और कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको फुली फंडिंग चाहिए फॉर एग्जांपल, राइट, तो योर फंडिंग शुड बी फुल एंड कंप्लीट, वो तो चलो होनी चाहिए. दूसरी बात यह है कि जितनी वेल फंडेड लैब होगी, मतलब उनके पास रिसेंट ग्रांट्स होंगी अगर, तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए या रिएजेंट्स ही चाहिए, कई बार जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, या फिर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं या इवन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो द रिसर्च रिएजेंट्स कैन बी समटाइम्स कॉस्ट यू नो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, तो कई बार लाखों की चीज़ आ जाती है. जैसे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की बात करें, या फिर इवन आप वेस्टर्न ब्लॉट्स की बात करें, या फ्लो साइटोमेट्री की बात करें, ये इंस्ट्रूमेंट्स और रिएजेंट्स ऐसे हैं, एंटीबॉडीज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर फंडिंग में प्रॉब्लम है, तो देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग, आपको उस लैब में थोड़ा सोच समझ के ही जाना चाहिए. सो मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर पूछें कि आपका करंट लेवल ऑफ फंडिंग क्या है. NIH जो है वो अमेरिका की जो मेन फंडिंग एजेंसी है,
अमेरिका में दो मेन फंडिंग एजेंसीज हैं, साइंस की बात कर रहा हूं मैं और बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, एक है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और एक है नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF। तो ये दो फंडिंग बॉडीज हैं, इनके थ्रू उनको ग्रांट्स मिलते हैं, 4 या 5 साल तक ग्रांट्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज ग्रांट मिली है तो 5-6 महीने में पैसा आएगा और फिर 4-5 साल चलेगी वो ग्रांट, राइट? सो दैट इज अ गुड अमाउंट। उस दौरान अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है उस लैब को, ही और शी इज इन अ वेरी गुड पोजिशन। लेकिन अगर ग्रांट खत्म होने वाली है या ग्रांट का अभी पता नहीं है या ग्रांट्स अभी खत्म हो चुकी हैं और अभी कुछ पता नहीं है कि आने का क्या सीन है या नहीं है, देन इट इज ट्रिकी, राइट? सो कीप दैट इन माइंड और बी वेरी ओपन अबाउट इट, बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। आप PhD एडवाइजर को पूछ भी सकते हैं दैट व्हाट इज योर करंट लेवल ऑफ फंडिंग, विल यू बी एबल टू सपोर्ट मी, क्योंकि आप ऐसी लैब में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट? आपने पैसे लुटाने तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको किसी रिएजेंट के लिए किसी को देखने की जरूरत ना पड़ेगी, ओके आई कैन नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो डू रियली रियली ऑसम साइंस, यू नो विच यू आर प्राउड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल। सो ये बात फिर है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, एज ए PhD स्टूडेंट, आपको उस लैब में क्या क्या डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज विल यू गेट, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज विल यू गो, आपको कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, राइट? सो यू कैन लुक एट देयर प्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल उनके वेब पेजेस पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनके जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको भी आपका भी नंबर आएगा, राइट? और अगर कोई भी नहीं जाता उस लैब में से या कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, राइट? सो देन दैट्स अ रेड फ्लैग, राइट? दैट्स अ वार्निंग साइन कि इतना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप दूसरे साइंटिस्ट के साथ बात नहीं करेंगे, अपने वर्क को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, देन यू नो इट हैज लेस ऑफ एन इम्पैक्ट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितनी होती है, आपको मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं, आपको फॉर एग्जांपल कई बार वो पेपर रिव्यू करने के लिए भी हेल्प करवा सकते हैं, राइट? एंड दे कैन इवन आस्क यू फॉर एग्जांपल टू टीच और टू एक्ट एज ए टीचिंग असिस्टेंट। दीज आर ऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। एज ए PhD स्टूडेंट आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू कीप इन माइंड कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्या क्या हैं। तो उनकी प्रोफाइल देखिए, उनके पुराने स्टूडेंट्स देखिए, क्या कर उन्होंने क्या क्या किया है रिसेंटली, लैब एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं, तो उसको थोड़ा सा देख के आपको अंदाजा लग सकता है, राइट? नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। देन वी हैव लैब कल्चर। ये कब की बात है, जब आप ज्वाइन कर जाएंगे लैब या फिर आप लैब में फॉर एग्जाम्पल विजिट करेंगे तब की बात है, लेकिन आप लैब कल्चर का जरूर ध्यान रखिए कि लैब का कल्चर कैसा है। क्या ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल पोस्ट डॉक ज़्यादा हैं या PhD स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या अंडर ग्रेजुएट जो BSc वाली टाइप स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा हैं? और लैब का कल्चर कैसा है, लैब मीटिंग्स कितनी फ्रीक्वेंसी से होती हैं, राइट? और फॉर एग्जाम्पल जर्नल क्लब होता है या नहीं होता है, उसमें रेगुलर होती हैं या नहीं होती हैं लैब मीटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें लैब कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फन भी होना चाहिए, राइट? PhD कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको एक नरक का संदेश मिल गया है, तो PhD में आपको फन का भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो अगर लैब की गैदरिंग्स होती हैं, लैब पिकनिक्स होती हैं, लैब के पॉटलक डिनर होते हैं, कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती हैं, दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट इन द लैब। सो दैट इज अ गुड साइन। अगर आप देखें किसी लैब में कि पिक्चर्स लगी हुई हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी माउंटेन में हाइकिंग करने गए थे या बारबेक्यू डिनर किया था हमने सभी ने या फिर कॉन्फ्रेंस में सारे इकट्ठे हो रहे हैं और चिल मार रहे हैं, राइट? तो दैट इज अ गुड थिंग। सो कीप दैट इन माइंड कि वर्क लाइफ बैलेंस का भी अच्छा एक मिक्सचर होना चाहिए, राइट? आप वहाँ पे मौज उड़ाने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन राइट आप पूरा यातनाएं सहने भी नहीं जा रहे हैं। तो PhD इज इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट? शुड बी फन एज वेल एज शुड बी एक्साइटिंग टाइम टू वर्क, राइट? फिर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग PhD सुपरवाइजर। एक तो ये है कि नंबर ऑफ पीपल इन दी लैब कितने हैं, क्योंकि उससे डिपेंड होता है कि एक्चुअली आपको कितनी गाइडेंस मिलती है। क्योंकि आप देखिए अगर कई लैब्स जो होती हैं बहुत सीनियर साइंटिस्ट की फॉर एग्जांपल या बहुत बिग शॉट साइंटिस्ट की जो लैब होती हैं वो काफ़ी वेल फंडेड होती हैं, ऑफकोर्स उनका बहुत सीनियर स्टेटस होता है उनका साइंटिफिक कम्युनिटी में, और लेकिन ये पंगा पड़ जाता है कि उनकी लैब्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, राइट? इंडिया में भी कई लैब्स ऐसी हैं जहाँ पे 30-40 स्टूडेंट हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक PhD सुपरवाइजर ऐसा है जिसके पास 6 स्टूडेंट हैं और एक है जिसके पास लेट से 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑफ कोर्स दिन में 24 घंटे ही होते हैं, राइट? तो आपको मेंटरिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, गाइडेंस की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम रहेंगी। सो दैट इज़ वाई स्मॉल लैब्स आर रियली गुड फॉर PhD स्टूडेंट्स।
राइट। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, तो आई ऑल्सो ट्रेंड इन अ लैब वेयर देर वर लाइक 6 to 7 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, राइट, 3 to 4 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 1-2 पोस्ट डॉक्स, राइट, एंड 1 or 2 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इट वॉज अ वेरी हेल्दी मिक्स। तो मेरे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मंडे को फॉर एग्जाम्पल लैब मीटिंग होती है, इंडिविजुअल मीटिंग होती है, लैब मीटिंग तो होती है फ्राइडे को और समटाइम्स ट्यूजडे, और एम्पल टाइम मिलता है कि मैं जब मर्जी भी फॉर एग्जाम्पल अपने एडवाइजर को कहूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू काइंडली टेक ए लुक एट इट, कैन यू गाइड मी ऑन दैट। तो लेकिन अगर सुपर साइंटिस्ट होते हैं या बहुत फेमस साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास काम करने का ये फायदा है कि आपको बहुत प्रसिद्धि मिलती है क्योंकि आप बहुत बिग शॉट की लैब में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस इतनी यू नो हैंड टू हैंड गाइडेंस नहीं मिलती है, राइट। तो वो हैंड होल्डिंग जो कहते हैं कि हाथ पकड़ के चला रहे हैं, वो वाला काम नहीं होता, राइट। सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। देन द करियर स्टेज ऑफ द रिसर्चर। तो आपके जो पोटेंशियल एडवाइजर हैं, पीएचडी एडवाइजर, वो किस स्टेज पे हैं अपने रिसर्च के। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो टेन्योर हो गए हैं, अगर वो टेन्योर हो गए हैं तो यू कैन थिंक अबाउट कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने 5-6 साल पूरा दबा के काम किया है, वो पोस्ट डॉक करके आए थे, उसके बाद उनको यहाँ पे टेन्योर मिल गई है एंड नाउ दे आर रिलैक्स। तो थोड़ा स्टेज डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू समबडी हु हैज जस्ट जॉइंड, जस्ट स्टार्टेड द लैब। तो बहुत हैक्टिक रहेगा लेकिन आपको सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर वो बहुत सुपर साइंटिस्ट होते हैं या बहुत अगर सुपर साइंटिस्ट ना हो तो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं, लाइक समबडी हु इज क्लोज टू लाइक 50 or 55 ईयर्स ऑफ एज, देन यू कैन थिंक अबाउट लाइक दे कैन बी अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरलाइजेशन, तो हर एक के लिए सही नहीं होता है। देर आर सम रियली सीनियर साइंटिस्ट हु आर वेरी वेरी एक्टिव स्टिल एंड सम आर इमेरिटस साइंटिस्ट जो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं और लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, राइट। सो दैट हैपन्स। सो किस करियर स्टेज पे रिसर्चर्स हैं और उनके पास फॉर एग्जांपल लैब में पीपल कितने हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जो ओवरऑल पीएचडी जर्नी रहेगी वो कैसी रहेगी, राइट। सो समथिंग टू कीप इन माइंड। वन थिंग इज इफ पॉसिबल आप अगर सोशल मीडिया पे हैं या ईमेल से, तो अगर आप किसी पीएचडी सुपरवाइजर में रियली रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि वर्किंग स्टाइल कैसा है, लैब का एनवायरनमेंट कैसा है। वो आपको लैब की पॉलिटिक्स तो नहीं बताएंगे और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, और पॉलिटिक्स इज एनी वेज प्रेटी डर्टी गेम, तो उसमें पढ़िए भी मत। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्किंग स्टाइल कैसा है पीएचडी सुपरवाइजर का, मीटिंग्स कितनी फ्रीक्वेंसी से होती हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, जो लैब के पुराने एलुमनाई हैं लैब से जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, राइट, सो लैब से जो पीएचडी कर चुके हैं वो आज कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एम है कि मैंने तो फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है और आपको पता चले कि जो लैब से निकले हैं लोग फॉर एग्जांपल वो सारे लेट्स से फैकल्टी पोजीशन मिली है उनको, राइट, और वो फार्मा में नहीं है, देन यू नो फॉर एग्जांपल यू शुड मेंटेन योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सोचा है कि मैंने तो फैकल्टी पोजीशन लेनी है और लैब में से फॉर एग्जांपल अभी तक 10-15 लैब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं और उसमें से 5-6 को फैकल्टी पोजीशन मिल गई है, दैट्स अ रियली गुड साइन, राइट। सो यू शुड रियली ज्वाइन दैट लैब क्योंकि आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और चीज़ है जो आप पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइजर में ज़रूर देखिए कि उनकी साइंटिफिक फील्ड में, अपने साइंटिफिक फील्ड में स्टैंडिंग क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, क्या उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है एज ए वेरी गुड यू नो वेरी कंसिस्टेंट रिसर्चर, और फॉर एग्जाम्पल दे आर लाइक सो सो और दे आर जस्ट कमिंग अप, राइट, और उनकी जो पुरानी प्रोफाइल है जैसे कैसे पेपर्स आए हैं, उनके उनके पब्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। सो यू शुड टेक ए लुक एट दैट। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप ये सोचने के कि वो उन्होंने नेचर में पब्लिश किया है या सेल या साइंस में पब्लिश किया है, इंस्टेड ऑफ दैट लुक एट कि उसका जो पेपर का इम्पैक्ट कैसा है, आपको कैसा लगता है पेपर को देख के कि क्या इस पेपर में कोई अच्छा रिजल्ट है, राइट। जस्ट बिकॉज समथिंग इज पब्लिश्ड इन नेचर और सेल और साइंस डज नॉट मीन इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट इन दैट फील्ड। कई पेपर्स आते हैं और लोग भूल भी जाते हैं, और कई पेपर्स होते हैं वो सिंपल जर्नल्स में भी पब्लिश होते हैं लेकिन स्टिल दे मेक अ बिग इम्पैक्ट। सो यू शुड टेक इट लुक एट दैट कि मतलब उसका इम्पैक्ट क्या है, फील्ड पे इम्पैक्ट क्या है, उन्होंने क्या क्या अपने फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन दैट वट यू शुड लुक फॉर इन अ पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइजर, राइट। सो सम ऑफ द रेड फ्लैग्स दैट यू शुड लुक फॉर इज लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दे स्पीक पुअरली ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं तो कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं कि आपको अवॉइड करने चाहिए ऐसे पीएचडी सुपरवाइजर्स को, तो ये आपको थोड़ा सा बात करके मिलेगा या फिर आपको पोटेंशियली 1-to-1 मीटिंग अगर आप करेंगे सुपरवाइजर से तभी आपको पता लगेगा कि उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है,
राइट। सो यूएसए में, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर रोटेशन सिस्टम होता है। रोटेशन का मतलब आपको जैसे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, आप डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, व्हाटएवर, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे एंड देन यू विल गेट टू डू रोटेशंस। रोटेशंस का मतलब आप अराउंड 2 to 2.5 months एक लैब में स्पेंड करेंगे। तो डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल देयर आर 50 पीपल, 50 फैकल्टीज, यू नो, फैकल्टी मेंबर्स, तो उसमें आप फॉर एग्जांपल तीन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। तो आपको जो पोटेंशियली लगते हैं कि हाँ ये अच्छे पीएचडी सुपरवाइजर हो सकते हैं, आप उनसे मिलेंगे एंड देन यू डू रोटेशंस। सो 2 to 2.5 months आप स्पेंड करेंगे उनके साथ और उसके दौरान आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ओके, यू नो, इनका वर्किंग स्टाइल ऐसा है, मेरे को लैब में कैसी फीलिंग आ रही है। तो आपका एक जो गट इंस्टिंक्ट है वो काफ़ी जो होगा, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड फैक्टर इन डिटर्मिनिंग कि आपको गट फीलिंग कैसे आ रही है, क्योंकि कई बार आपको इंस्टिंक्ट से ही जाना पड़ता है कि आपको फीलिंग आ रही है तो देन यू लीव असाइड एवरीथिंग, राइट। बट ऑफकोर्स यू शुड लुक फॉर दीज रेड फ्लैग्स फॉर एग्जाम्पल। So if you have any other comments, so we have some students joining in. So if you have any other comments or questions regarding PhD programs, especially PhD programs in US or Canada, मैं US और Canada की बात करता हूँ क्योंकि जिसका मेरे को personal experience है, तो Europe का मेरे को इतना ज़्यादा experience नहीं है, थोड़े से मेरे को मेरे friends हैं जो, या मैंने जितना online पढ़ा सुना है तो काफ़ी similarities हैं, लेकिन of course काफ़ी differences भी हैं। लेकिन अगर आपको USA और Canada में admission लेना है PhD program, so तो अगर उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सो आई विल ट्राई टू फाइंड सम मोर क्वेश्चंस टू आंसर, लाइक मेनी डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर, लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, कब आपको तैयारी करना शुरू करना चाहिए, कितने बैंड्स चाहिए। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आई विल आंसर इन लाइव सेशन, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर इन लाइव सेशंस एंड आई होप टू मीट यू सून। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर, बाय बाय।